अब हमने क्वेश्चन नंबर फाइव सॉल्व करना है ए और बी मैट्रिक्स इज गिवन है और के की वैल्यू फाइंड करनी है और साथ ये कंडीशन गिवन है कि इफ़ ए बी इज़ इक्वल टू बी ए तो हम बी की वैल्यू के वैल्यू फाइंड करेंगे इज ए बी इज़ इक्वल टू बी ए तो हम पुट करते हैं ए की वैल्यू टू सिक्स थ्री फाइव और b की वैल्यू पुट करते हैं वन जीरो जीरो के इज इक्वल टू b की वैल्यू पुट करते हैं यहां पर वन जीरो जीरो के मल्टीप्लाई a की वैल्यू क्या है टू सिक्स थ्री फाइव अब हमने क्या करना है इनको आपस में मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ पहले तो ये मल्टीप्लीकेशन यू होगी टू मल्टीप्लाई वन फर्स्ट को फर्स्ट के साथ और सेकेंड एलिमेंट को सेकेंड एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दें उसके बाद इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस सिक्स मल्टीप्लाई के अब नेक्स्ट रो की बारी है थ्री फाइव पहले इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा थ्री मल्टीप्लाई वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई जीरो इसके बाद इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा थ्री मल्टीप्लाई जीरो प्लस फाइव मल्टीप्लाई के सेम इसी तरह हमने इधर भी मल्टीप्लाई करना है फर्स्ट रो मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट कॉलम के साथ तो ये आएगा वन मल्टीप्लाई टू प्लस जीरो मल्टीप्लाई थ्री अब इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा मल्टीप्लाई सिक्स प्लस जीरो मल्टीप्लाई फाइव अब सेकेंड रो की बारी है फर्स्ट कॉलम के साथ पहले मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा जीरो मल्टीप्लाई टू प्लस के मल्टीप्लाई थ्री अब इसी रो को सेकेंड कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां से आएगा जीरो मल्टीप्लाई सिक्स प्लस के मल्टीप्लाई फाइव अब इनको हम आपस में प्लस मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस करेंगे तो यहां से आएगा टू वन जर टू प्लस सिक्स मल्टीप्लाई जीरो टू मल्टीप्लाई जीरो प्लस सिक्स मल्टीप्लाई के इज सिक्स के थ्री मल्टीप्लाई वन प्लस फाइव मल्टीप्लाई जीरो थ्री मल्टीप्लाई जीरो प्लस फाइव मल्टीप्लाई के फाइव के अब राइट साइड में अगेन उसी तरह 1 multiply 2 plus 0 multiply 3 1 multiply 6 0 multiply 5 0 multiply 2 is 0 plus 3 multiply k 3k 0 multiply 6 plus k multiply 5 to 5k 5, अब प्लस करते हैं अब यहां पर आ जाएगा टू प्लस जीरो थ्री प्लस जीरो जीरो प्लस सिक्स के इज सिक्स के और यहां पर फाइव के इज इक्वल टू टू प्लस जीरो प्लस सिक्स प्लस थ्री के प्लस फाइव K. हमने किसकी वैल्यू फाइंड करनी है K के वैल्यू हमने फाइंड करनी है तो अब यहाँ पर हमारी मर्जी है तो क्योंकि दोनों के बीच में इक्वल साइन है तो करिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आपस में इक्वल होंगे तो इसकी ये बनती है two multiple, two two, और इस तरह से सिक्स के इज इक्वल टू सिक्स के यहाँ क्योंकि के आ रहा है तो सिक्स के इज इक्वल टू सिक्स तो के इज इक्वल टू सिक्स ये वाला सिक्स डिवाइड करेंगे यहाँ पर तो यह आ जाएगा सिक्स सिक्स कटिंग हो जाएगी तो वन आ जाएगा तो के इज इक्वल टू वन तो यह हमारा आंसर है आप कोई भी ले सकते हैं आप इवन फाइव के इज इक्वल टू फाइव के लेकिन कोई नहीं निकलता लेकिन यहां से निकल सकता है थ्री इज इक्वल टू थ्री के थ्री इज इक्वल टू थ्री के तो इस k के साथ थ्री यहां पर डिवाइड कर देंगे तो थ्री वन से थ्री सो के इज इक्वल टू वन तो आप कोई भी ले लें आप ये वाला ले लें ये ले लें कोई एक ले लें दोनों की सॉल्व करने की जरूरत नहीं है